YouTube चैनल नॉलेज इज पावर और आज मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइए इस बात को हम लोग सीखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हम लोग देखते हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट पहले दिखाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्मेट, ठीक है। अब देख पा रहे हो फॉर द ईयर, जो भी ईयर होगा वो आप शो कर सकते हो, जैसे 2020 to 2021, या फिर ऐसे लिख सकते हो फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। जो भी ईयर एंडेड करके जो भी फिगर होगा वो आप ईयर होगा वो आप दे सकते हो। अच्छा, अब डेबिट साइड ऐसे DR, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे अमाउंट होगा, फिर यहाँ पे फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे CR मतलब क्रेडिट। अब डेबिट साइड में क्या कौन से आइटम्स को दिखाया जाएगा वो आप यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड में आप दिखाओगे एक्सपेंडिचर्स को डेबिट साइड, ठीक है, और क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे इनकम्स को। तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, ठीक है। हम लोग अपने बिजनेस के पर्पस के लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे खर्च हम लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग जॉब करते होंगे, उन लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, कुछ मजदूर को मजदूरी देना पड़ेगा, कुछ लोगों को कमीशन देना पड़ेगा, कुछ भाड़ा चुकाना होगा, तरह तरह के एक्सपेंसेस हैं। ये सारे रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं और इन सारे रिकरिंग नेचर के जो एक्सपेंसेस होंगे इनको हम लोग दिखाएंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं कौन कौन से आइटम्स को दिखाया जा रहा है। देखिए, इसके पहचान के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिख दिया है, इससे आपको किस तरह के आइटम्स यहाँ पे आएंगे उसको पहचान करने में आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा। तो आएंगे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स एंड आउटस्टैंडिंग आइटम्स, ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट्स और आउटस्टैंडिंग आइटम्स। इसका मतलब क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट्स मतलब रिकरिंग नेचर के पेमेंट्स, जनरली स्मॉल अमाउंट्स होते हैं, जनरली कोई ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल होगा या बिग होगा, इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जनरली स्मॉल अमाउंट्स के आइटम होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, ये सारे बिजनेस से रिलेटेड डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इन सारे खर्चों को हम लोग डेबिट साइड में हम लोग दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को सैलरी दिए हो तो सैलरी पेड। अच्छा, इसको दिखाने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बहुत सारे आइटम्स ना डाल देगा, तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के साथ क्या करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ क्या करेंगे एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब को समझाना चाहता हूँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो कि जिसको पे करने का लायबिलिटी तो मेरे ऊपर अराइज कर चुका है लेकिन मैंने अभी तक उसका पेमेंट्स क्लियर नहीं किया है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आदमी है, राम नाम का कोई आदमी मेरे अंडर में जॉब कर रहा है, मेरा एम्प्लॉई है। राम को मुझे पूरे 12 मंथ्स का सैलरी देना था, मैंने सपोज 11 मंथ्स का ही उसको ड्यूरिंग द ईयर मैंने उसको सैलरी का पेमेंट किया। 1 मंथ का जो राम का जो सैलरी बाकी है वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग आइटम। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि सब दिखाओ, जो पेमेंट तुमने किया वो भी दिखाओ, साथ में जो बाकी है तुम्हारा जिसको पे करने का तुमको लायबिलिटी अराइज कर गया है उसको भी यहाँ पे आप करके क्या करो दिखाओ। तो किस तरह से दिखाया जाएगा उसका भी मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार किया हूँ, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। जैसे सैलरीज के केस में आप देखो सैलरी आउटस्टैंड सैलरी पेड लिखा हुआ रहेगा, एड करना आप लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग ओपनिंग इसका क्या मतलब होता है। जब भी ईयर का एंड को हम लोग दर्शाने का कोशिश करेंगे, शो करने का कोशिश करेंगे, तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड क्लोजिंग अकाउंट्स में उसको क्लोजिंग बोला जाता है। जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग का ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से और ये जाकर के खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर का एंड डेट कौन सा है, 31 मार्च 2021
21 इस डेट को कहा जाता है क्लोजिंग, और ये जो डेट जिस डेट से ये स्टार्ट हुआ पूरा ईयर, इस डेट को बोला जाता है ओपनिंग, मतलब सीधी बात ओपनिंग का मतलब ईयर का बिगिनिंग और क्लोजिंग मतलब ईयर का एंड। तो क्लोजिंग वाला जो भी चीजें होंगे जो ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब आपको पे करना बाकी है, तो आप उन चीजों को क्या करोगे, आप उन चीजों को ऐड करोगे, ठीक है। और जो ईयर के बिगिनिंग में स्टार्टिंग से जो बाकी था, हो सकता है ईयर के स्टार्टिंग में भी बाकी होगा, जैसे लास्ट ईयर का जो एंड में बाकी होगा वो करंट ईयर के बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हम लोग बोलते हैं, तो उस चीज को क्या करना है आपको, आपको लेस करना है, ठीक है। इसका लॉजिक मैं बाद में क्लियर करूंगा, अभी फिलहाल आपको फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत मदद करेगा। तो ये रूल सबके लिए अप्लाई है, देखिए मैंने यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टार मार्क्स यूज किया, काफी ज्यादा स्टार मार्क्स यूज किया, जहां जहां स्टार मार्क यूज किया उसका मतलब मैंने समझाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क का मतलब क्या होता है। स्टार मार्क मीन्स रूल अप्लाइज फॉर ऑल आइटम्स, सभी रूल, ये जो रूल मैं हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ये रूल सभी आइटम्स के लिए, एंटायर एक्सपेंडिचर और इनकम साइड में जितने आइटम्स हैं सबके लिए सेम रूल अप्लाई है, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑलवेज लेस, और उसके बाद ओपनिंग प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब एडवांस। दोस्तों ऑलवेज याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ऑपोजिट नेचर के आइटम्स हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। जैसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर ऐड हो रहा है तो क्लोजिंग प्रीपेड ऑटोमेटिकली क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो आप एक चीज को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो इन दैट केस आपको दूसरा चीज समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स का तो ये सारा चीज मैकेनिकल हो जाता है, सर हमको बोलना भी नहीं पड़ता है, बोलता है सर अच्छा ठीक है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है, ओपनिंग लेस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा, हमको आराम से वो मतलब थोड़ा समय दिखा देता हूँ सारा चीज वो बना करके लेकर दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा मैकेनिकल चीजें हैं, इसको आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये रूल है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर ऐड होगा तो क्लोजिंग प्रीपेड उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आइटम है, तो ये ऐड होगा तो ये ऑटोमेटिकली लेस होगा, क्लोजिंग प्रीपेड लेस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर लेस होगा तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आइटम होता है ओपनिंग प्रीपेड, ये लेस होगा तो ये वाला ओपनिंग प्रीपेड क्या होगा, ऐड होगा, जस्ट ऑपोजिट करते जाइए आपको पूरा रूल याद हो जाएगा। आज आज मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स लोग जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग सामने बैठे हुए हैं, वो लोग एक बार जस्ट इस रूल को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि ये रूल आपको रियली में बहुत मदद करेगा इस चैप्टर का हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा इसके बाद अब वेजेस के साथ सेम रूल है, ठीक है, यानी कि वेजेस जो पेड होगा वो लेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस करेंगे क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लेस करेंगे ओपनिंग प्रीपेड, ऐड करेंगे लेस, ऐड करेंगे ओपनिंग प्रीपेड, लेस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड, दिस रूल अप्लाइज फॉर ऑल। इसके अलावा रेंट के साथ सेम ट्रीटमेंट, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ सेम ट्रीटमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जनरली प्रिंटिंग स्टेशनरी यहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया नहीं, इसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट। पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब होता है चिट्ठी वगैरह भेजना वेजना, उससे रिलेटेड जो जो खर्चे होंगे उसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो, एनी अदर पेमेंट, कोई भी अदर पेमेंट अगर छूट गया है, क्योंकि ये देखिए ये जस्ट एक फॉर्मेट है, तो क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो वहां पे और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेचर के आइटम्स आते रहेंगे, तो हम लोग टाइम टू टाइम क्वेश्चन के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे इनकम्स को, एक्सपेंडिचर्स को दिखाया जाएगा डेबिट साइड में, इनकम्स को दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में, ये याद रखिएगा। अब यहां पे आप क्या दिखाओगे, यहां पे आप दिखाओ रेवेन्यू रिसीट्स एंड इनकम अक्रूड। देखो एक्सपेंडिचर के केस में आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने क्या बोला था कि जो खर्चा मुझे पे करना बाकी है, तो इन द सेम वे ऐसा थोड़ी है कि सारा इनकम मुझे इन हैंड एट अ टाइम कैश में मिल ही जाता है, तो कुछ पैसा हो सकता है बाजार में मुझे भी मिलना बाकी है, तो जो मुझे मिलना बाकी है वो मेरे लिए क्या है, इनकम
accrued. It is just the opposite of expense outstanding. Outstanding expense का opposite होता है. Income accrued. तो income accrued और revenue receipts दोनों को यहाँ पे क्या किया जाएगा? Income side में हम लोग show करेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सबसे मेजर आइटम होता है इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया हूं. आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे को बोलिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैं फिर से सेंड कर दूंगा, रीसेंड कर दूंगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यहाँ पे आप लीजिएगा रिसीव्ड, क्योंकि सारा चीज यहाँ पे इनकम में रिसीव्ड बोला जाता है. रिसीव जो रिसीव होगा तभी तो इनकम है. तो रिसीव्ड के साथ आप ऐड करो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस करो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड करो ओपनिंग प्रीपेड, लेस करो क्लोजिंग प्रीपेड. एग्जैक्ट देखो सेम रूल, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस में अलग रूल नहीं है, एकदम सेम रूल. देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड का, यहाँ पे भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड. आप लोग कोई कोई बोल सकते हैं सर आउटस्टैंडिंग आप बोले वर्ड यूज नहीं करने के लिए, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस के लिए खाली यूज करने के लिए बोले, इनकम के केस में अक्रूड यूज करने के लिए बोले. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हो. आउटस्टैंडिंग वर्ड जनरली हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंसेस के लिए, इनकम साइड में हम लोग वर्ड यूज करते हैं अक्रूड. अगर आप अक्रूड नहीं यूज करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड आउटस्टैंडिंग इन केस ऑफ इनकम साइड ऑल्सो. ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी. तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देखिए ऐड था, यहाँ पे भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस था, यहाँ पे भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, यहाँ पे ओपनिंग प्रीपेड ऐड था, यहाँ पे भी ओपनिंग प्रीपेड ऐड, यहाँ पे क्लोजिंग प्रीपेड लेस था, यहाँ पे भी क्लोजिंग प्रीपेड लेस. तो आप एक रूल याद करो, जस्ट एक रूल, आपका सारा चैप्टर वहां पर कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहां कवर हो जा रहा है, आप देख सकते हैं. इसके बाद कमीशन रिसीव, यहाँ पे भी देखिए स्टार मार्क है. स्टार मार्क मीन्स रूल अप्लाइज फॉर ऑल आइटम, सभी आइटम्स के लिए ये रूल अप्लाई होगा. इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव स्टार मार्क. इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, कभी कभी कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर्स वगैरह हम लोग बेच देते हैं. ठीक है, कभी कुछ फर्नीचर या एसेट्स बेच सकते हैं, वहां से जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे. मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ fixed assets and investments. तो profit on sale of fixed assets and investments वो आप यहां पर दिखाओ. इसके अलावा donations जो मिलेगा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो डोनेशन आप ले लीजिए एज एन इनकम. कभी कभी डोनेशन बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट का होता है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर मतलब क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि डोनेशन को ले जाओ बैलेंस शीट में, तो लाइबिलिटी साइड में जाकर के जस्ट बिलो द कैपिटल आप उसको दिखा सकते हो. जब तक क्वेश्चन साइलेंट रहेगा एज्यूम दैट द डोनेशन इज अ नॉर्मल इनकम, वो आपका नॉर्मल इनकम है, उसको आप यहाँ पे शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंट्रेंस फीस रिसीव, इसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, जब तक क्वेश्चन साइलेंट रहेगा आप उसको दिखा सकते हो. क्वेश्चन अगर कुछ डिफरेंसेस कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देगा तो आप अकॉर्डिंगली उसमें काम करना. अब क्या करना, अब क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, उसको आपको ऐड कर देना है. उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर साइड के सारे आइटम्स को यहाँ पे ऐड कर देना है. तो दोनों का जो टोटल होगा वो आपस में कंपेयर करिए. अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड का टोटल से ज्यादा आएगा तो हम लोग जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस. इट इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट है, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैंने लिखा है सरप्लस मींस नेट प्रॉफिट. सरप्लस का मतलब ही होता है नेट प्रॉफिट. और अगर कभी कभी नेट लॉस हो गया तो देखिए, इफ देयर इज नेट लॉस इट इज कॉल्ड डेफिसिट, उसको हम लोग नेट डेफिसिट बोलेंगे. दिस डेफिसिट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड. जब अगर हम लोग सरप्लस को यहाँ पे देखिए, सरप्लस नेट प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने डेबिट साइड पे दिखाया. अगर यहाँ पे नेट लॉस होता तो हम लोग बाय डेफिसिट करके यहाँ पे हम लोग शो. तो आई थिंक द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And please encourage me to further give you much, much better videos. Thank you.